पिछोर में प्रीतम सिंह लोधी के आमरण अनशन के समापन के दौरान सपा नेता ने भरे मंच से दलित समाज के लिए की अपमानजनक टिप्पणी। आपको बता दें, मामला पिछोर का है, जहां पिछोर के छत्रसाल स्टेडियम में प्रीतम सिंह लोधी के आमरण अनशन के समापन के दौरान आए हुए समाजवादी पार्टी के नेता ने दलित समाज के लिए जाति सूचक टिप्पणी भरे मंच से की है, जिस पर बहुजन समाज पार्टी के पिछोर विधानसभा अध्यक्ष और उनके साथियों द्वारा आयोजक एवं समाजवादी पार्टी के नेता पर कार्रवाई की मांग करते हुए पिछोर थाने में आवेदन दिया है। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि मंच पर बैठे हुए प्रीतम सिंह लोधी समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, सपा के चार विधायक एवं कांग्रेस के पदाधिकारी दामोदर सिंह यादव के सामने भरे मंच से सपा के नेता ने जो अपमानजनक टिप्पणी की है, उस पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। बहुजन समाज पार्टी के नेता ने बताया कि हजारों की संख्या में जनता मौजूद थी और उन्होंने हमारे समाज के लिए अपमानजनक टिप्पणी की है। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। संवाददाता सचिन राज भट्ट की रिपोर्ट। तो इस मंच पर इसकी सरजमीन पर अंग्रेजों के गुलामों को हटाने का काम हम लोग करेंगे, काम हम करेंगे। इस मध्य प्रदेश के अंदर व्यापारियों की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़ा व्यापारी और घोटाले वाले मुख्यमंत्री है। साथियों, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम महेश कुमार जाट है। मैं पिछोर विधानसभा से, मैं बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज आप सभी बहुजन समाज पार्टी के लोग थाने में आए थे, क्या समस्या को लेकर आए थे? जे प्रीतम भाई साहब जो अनशन पर बैठे हुए, कल 1 तारीख में सपा यानी उत्तर प्रदेश से कुछ उनके पूर्व सांसद सपा के नेतागण आए थे, उन्होंने स्टेडियम में जाति सूचक शब्द का उपयोग किया है, इस कारण हम थाने में आए हैं और उन पर कायमी चाहते हैं। अच्छा, कौन सी जाति के प्रति उन्होंने गलत शब्द? उन्होंने चूड़ा चमार शब्द का उपयोग किया है। अच्छा, इसे हमारी आहत को ठेस पहुंची है और हम इन पर कार्रवाई चाहते हैं, इसलिए थाने आए थे। जी, इसलिए थाने आए हैं।